महिलाओं को सेक्स करने के समय तकलीफ क्यों होती है, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कभी कभी महिलाओं को सेक्स करने के समय तकलीफ होती है, और कभी एक बार दो बार पीछे तकलीफ हुई है पास्ट में, तो फिर उनको एक डर बैठता है और वो फिर आगे संभोग के लिए ना बोलती है। अभी तकलीफ क्यों होती है, समझो उसकी इच्छा नहीं है। अभी इच्छा नहीं और थक गई है, जबरदस्ती हस्बैंड ने किया, फिर उसमें होता क्या है कि जो सिक्रेशन होनी चाहिए चिकनापन आने के लिए, वो सिक्रेशन होते नहीं, जिसको बोलते काम सलील, वो निर्माण नहीं होता। और फिर वो निर्माण नहीं होता तो फिर योनि में लिंग का प्रवेश कठिन हो जाता है, वहाँ दर्द होता है, उसको डिसपेरिवेनिया भी बोलते हैं, वेदना में संभोग, या वहाँ स्पाज़म ही आया हुआ है वजाइना में, वजाइनल वॉल में कोई कारण के वजह से जंतु संसर्ग हुआ है, सूजन आई हुई है इन्फेक्शन की वजह से, या बर्निंग हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, मतलब कुछ भी है तो वहाँ ऐसा एक स्पाज़म आया हुआ है, डिसपेरिवेनिया उसकी वजह से होता है, तकलीफ हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्त्री को बहुत डर है, डर है तो उसने वो सब जकड़ के लिया हुआ है नीचे का पूरा पोर्शन, और अभी पेनिस का अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है डर की वजह से, उसको पता ही नहीं है एंजॉय कैसे करना, उसको पता ही नहीं है कि भाई एक वो एंजॉयबल है, उसको कुछ ना कुछ पास से डर आया हुआ है, फिर डर के मारे फिर वो कामसलील निर्माण नहीं होता। फिर कभी वेदना में संभोग इसलिए होता है कि वो कोऑपरेट नहीं करते, कि उसको डर है कि भाई वो प्रेगनेंसी आ जाएंगी, प्रेगनेंसी हो जाएंगी तो इसलिए वो टाइट कर लेती है, अंदर प्रवेश नहीं होता, फिर तकलीफ हो जाती है लिंग का योनि में प्रवेश करने के लिए। प्यार नहीं है समझो, और प्यार नहीं, जबरदस्ती हस्बैंड वाइफ है, प्यार नहीं है, सेक्स कर रहे हैं, तो उस समय भी वेदना में संभोग होता है। प्यार नहीं है, या फिर एक दूसरे के प्रति बहुत हेट्रेड है, तिरस्कार, द्वेष, चाहते नहीं एक दूसरे को बिल्कुल ही, वहां भी वेदना में संभोग होता है। या फिर जंतु संसर्ग, मतलब इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन समझो वैसे ही साफ सफाई नहीं रखी। देखो प्राइवेट पार्ट्स होना चाहिए रोज स्नान करने के समय, सेक्स के बाद में, तो जंतु संसर्ग मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को कंडोम की एलर्जी होती है, कंडोम की एलर्जी है और उसके वजह से फिर जलन होना, खा जाना, खुजली आना, ऐसा भी होता है। तो कुछ स्त्रियों को, महिलाओं को 50 के बाद में हॉर्मोन्स की कमी होती है, और हॉर्मोन्स की कमी हो गई तो फिर कामसलील निर्माण नहीं होता, और वैसे ही योनि जो है उसकी जो दीवाले है वो पतली हो जाती है, तो जो इलास्टिसिटी है वो वहाँ रहती नहीं है, तो वो पेनिस को अकोमोडेट नहीं करती। मतलब वेदना में संभोग होने के बहुत सारे कारण हैं, वो देखना पड़ेगा कि कौन से कारण हैं, और ये कारणों में से जो भी कारण हम दूर कर सकते हैं, वो कारण दूर कर दिया तो संभोग जो है वो एक खुशी का प्रोग्राम हो जाएगा, खुशी का माहौल, एंजॉयबल मोमेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो दर्द भरा संभोग होता है। और एक बार मजा नहीं आया, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तो अगली बार फिर वाइफ कॉपरेट नहीं करती है, फिर झगड़े होते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि कारण क्या है, दोनों को एंजॉयमेंट आना चाहिए, समभोग है ये, समागम है, दोनों ने एंजॉय करना चाहिए, जितना हस्बैंड करता है उतना ही वाइफ ने एंजॉय करना चाहिए, उसको यदि एंजॉयमेंट मिलता है, जो मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूं मैं कि भाई क्लाइट्रल स्टिमुलेशन से और जी स्पॉट स्टिमुलेशन से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है, तो पति का ये भी काम है कि वो श्वास स्टिमुलेट करने का है और उसको वो कामपूर्ति का आनंद देना है, तो दोनों को भी बहुत मजा आएंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।